हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं लेकर आई हूँ मोदक की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में लेंगे एक कप पानी और उसी में ऐड करेंगे हम एक चम्मच घी। और जैसे ही पानी उबलने लगेगा ना, तो हम उसमें ऐड कर देंगे एक कप चावल का आटा। और इसे हम तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि पानी और चावल का आटा अच्छे से मिक्स न हो जाए। और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। उसके बाद हम स्टफिंग बना लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन में लिया है थोड़ा सा घी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक कप ग्रेट किया हुआ नारियल और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे आधा कप ग्रेट किया हुआ गुड़ और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गुड़ नारियल जैसे ही मिक्स हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। और यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग है बनके बिल्कुल तैयार है। इसे भी हम ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, आटा हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ना थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हम एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा हाथ में लेके इस तरह से लोई बनाकर देख लेंगे कि बॉल में कहीं क्रैक्स तो नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो आटा है बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं मोदक बनाने के प्रोसेस में। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये मोदक वाला मोल्ड, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इस मोल्ड में भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और उसके बाद ना हम ये थोड़ा सा आटा इस तरह से लेंगे और मोदक में इस तरह से ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें एक होल बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से होल बना लेंगे, फिर हम इसमें स्टफिंग भर देंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा आटा लेके इसे हम अच्छे से बंद कर देंगे। और यहाँ पे जो है ना, अच्छे से हमें इसे कस के दबा देना है। और यहाँ पे हमारा मोदक बनके बिल्कुल तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सेम प्रोसेस से ना हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे आपको बिना मोल्ड के भी मोदक बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लोई बनाकर तैयार कर लेंगे और इस तरह से उसे चिपटा करके एक पूड़ी के आकार में हम बना लेंगे। फिर हम साइड से इस तरह से उसे मोड़ते जाएंगे और उसके बीच में हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा स्टफिंग। फिर हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से मोड़ते जाएंगे और इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मोदक बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसमें हम थोड़ा सा चम्मच की मदद से इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे, जैसे कि लगेगा कि हमने इसे मोल्ड से बनाकर तैयार किया है। और यहाँ पे बिना मशीन के भी मोदक बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम सारे मोदक को स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्टीम वाला थाली और इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रखा है और इसमें हम सारे मोदक को इस तरह से ऐड कर देंगे और ढक्कन लगा के ना हम इसे 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद आप यहाँ पे जब ढक्कन हटाएंगे तो आप देखेंगे कि मोदक हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। और यहाँ पे तैयार है गणपति बप्पा का भोग और इसे हम थोड़ा सा गुलाब के पंखुड़ी से इस तरह से गार्निश कर देंगे। आप भी इस गणेश चतुर्थी में इस मोदक को ज़रूर बनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।